नमस्कार, वेलकम टू फूड स्पीसीज। आज हम बनाएंगे कैडबी, जो कि बहुत ही पॉपुलर है बच्चों में और बड़े में। तो चलिए अभी शुरू करते हैं बनाना कैडबी। इन सब चीज़ों चाहिए होता है हमको कैडबी बनाने के लिए। मैंने लिया है क्रीमी मिल्क 1/2 लीटर, 2 टेबलस्पून शुगर, 1 टीस्पून कोको पाउडर, 1 डार्क चॉकलेट का पीस, 2 टेबलस्पून ड्रिंकिंग चॉकलेट पाउडर। शुरू करते हैं अभी। पहले दूध को हमको गर्म करना है, उसको उबालना है। जब तक दूध उबलता है, चलिए अभी डार्क चॉकलेट को कट कर लेते हैं। मैंने स्लाइसर लिया है, उसमें मैंने विड्थ में पहले कट करूंगी चॉकलेट को। जब विड्थ में कट करेंगे तो ऐसा छोटा पीस निकलता है। अभी लेंथ में कट करना है मुझे चॉकलेट को, तो थोड़ा बड़ा पीस निकलता है। इसको रख लेंगे और चाकू से लेंथ में लंबा वाला कुछ पीसेस कट करके रखेंगे, ताकि आगे गार्निशिंग के लिए हमको काम आए। दूध उबलने लगा है, उसमें चीनी डाल देते हैं। उसको अच्छे से मिला के 2 मिनट तक उबलने देंगे। चीनी घुल गया है, दूध उबलने लगा है। अभी हम ड्रिंकिंग चॉकलेट और कोको पाउडर दोनों डाल देते हैं। उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट मीडियम आंच में उसको गर्म होने देंगे। फिर उसको 10-15 मिनट ठंडा करके फ्रीज में रख लेंगे 1 घंटा तक, ताकि वो एकदम से ठंडा हो जाए। अभी मैंने फ्रीज से निकाला है, वो एकदम ठंडा हो चुका है और थोड़ा गाढ़ा भी दिख रहा है। एक छन्नी में उसको छान लेते हैं, ताकि उसमें जो गुठलियाँ है पाउडर का वो निकल जाए। निकाल दिया मैंने। अभी हमारा ड्रिंक्स एकदम से तैयार हो गया है। ग्लास में डाल देते हैं। फुल ग्लास नहीं डालेंगे, थोड़ा कम रखेंगे, क्योंकि उसमें आइसक्रीम डालना है हमको। मेरे पास वैनिला आइसक्रीम है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कोई भी आइसक्रीम फ्लेवर का डाल सकते हैं। या मैंने वैनिला आइसक्रीम 2-2 स्कूप डाल दिया है, और जो चॉकलेट कट किया था उसमें गार्निशिंग के लिए डाल रही हूँ। अभी ऊपर छोटा वाला जो क्रश किया था चॉकलेट, उसको डाल रही हूँ। अभी सर्विंग के लिए हमारा कैडबी रेडी हो चुका है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर मेरी रेसिपी पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।